अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट अपवर्क पे विन कर सकते हैं, या अगर आपको अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा। तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपवर्क एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जिस पे आप अपने फ्रीलांसिंग के अकाउंट या प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अपवर्क पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आपका अकाउंट अप्रूव भी हो गया है, तो अभी आप सोच रहे हैं कि मैं प्रपोजल सेंड करूंगा और मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और वो अप्रूव हो गया, तो आपको नहीं पता कि हम अपनी प्रोफाइल कैसे 100% कंप्लीट करें, तो आप मेरे चैनल पे जाए, आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह हम अपवर्क की प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है कि आपकी प्रोफाइल में कीवर्ड कुछ यूज़ करने होते हैं, टैग वगैरह। वो मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने अपवर्क प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको गाइड करूंगा। अब अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है, ऑप्टिमाइजेशन भी हुई पड़ी है, पोर्टफोलियो भी आपने अच्छे लगाए हुए हैं, आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं फिर भी आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इसकी वजह यह है कि आपका प्रपोजल अट्रैक्टिव नहीं होगा। आपको प्रपोजल अट्रैक्टिव लिखना होगा, प्रपोजल राइटिंग सीखनी होगी कि हम किस तरह अपवर्क पे प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि हम अपवर्क पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो भी आप तक पहुँच सके। अब जिन लोगों को रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं और उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह यह है कम्युनिकेशन, कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी। अगर आपको क्लाइंट का मैसेज आया है और आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन में मिस्टेक है या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपको उसी जॉब पे अप्लाई करना चाहिए जो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो, मतलब जो आप 100% श्योर हो या 90% श्योर हो कि ये आप प्रोजेक्ट कर लेंगे, आप उन्हीं जॉब पे अप्लाई करें। आप बस ये ऊपर टाइटल देख लिया, डाटा एंट्री या रजिस्ट्रेशन और देख कर अप्लाई कर दिया, डिस्क्रिप्शन रीड ही नहीं की, तो ये बिल्कुल ही गलत है। फिर आप क्लाइंट जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैसेज में, तो आपको उसका आंसर नहीं पता होगा, तो वो आपसे क्लाइंट भाग जाएगा। तो आपको उसी जॉब पे अप्लाई करना चाहिए जिस पे आपको 100% या 90% श्योर हो कि आप ये प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि प्रपोजल भी अच्छा लिखते हैं, क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लेकिन काम नहीं मिल रहा। वो अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट अच्छे नहीं होते। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अब क्लाइंट का बजट है $10 और वो काम करवाना चाहता है $50 का, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आप ऐसे क्लाइंट ना पकड़ें, आप क्लाइंट की हिस्ट्री देखें कि वो कैसा क्लाइंट है। अगर वो अच्छा क्लाइंट है और उसका बजट $10 किया हुआ, तो आप उससे बात करें, वो आपका बजट इंक्रीज भी कर सकता है। तो कंप्लीट डिटेल ये है कि आपकी प्रोफाइल 100% ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, पोर्टफोलियो अच्छे होने चाहिए, आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए और आपको प्रपोजल राइटिंग आनी चाहिए। अगर आप प्रपोजल अट्रैक्टिव नहीं लिखते तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। अगर आप प्रपोजल अट्रैक्टिव लिखते हैं, तो आपने देखना है कि क्लाइंट की हिस्ट्री कैसी है, क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट के रिव्यूज़ कैसे हैं और उसका एवरेज रेट क्या है, उसने कितने स्पेंड किए हुए हैं, कहाँ का क्लाइंट है, ये भी आपने ज़रूर देखना है। इसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं फिर भी विन नहीं हो रहा, तो ये आपकी कम्युनिकेशन की मिस्टेक है, आप उसको इम्प्रूव करें। और अगर क्लाइंट का बजट थोड़ा है और काम ज़्यादा है तो आप वो ना करें, तो ये गलत बात है, आपको बैड फीडबैक मिल सकता है। और एक केस ऐसा होता है कि क्लाइंट का बजट है ये और आपने $10 पे अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट का बजट $100 है और आप $10 पे अप्लाई कर दिया, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्लाइंट कैसे श्योर होगा कि ये काम $100 का, ये $10 पे अप्लाई कर रहा है? वो 100% यही समझेगा कि आप सिर्फ जॉब लेने के लिए ही अप्लाई कर। एग्जाम्पल, अगर $100 है तो आपने $100 पे अप्लाई करना है। अगर $5 है और काम $50 का है, तो आपने $50 पे अप्लाई करना है। तो इस तरह क्लाइंट को पता चल जाएगा कि ये काम $50 का है और मैंने $5 बजट किया हुआ है, तो आपको क्लाइंट रिस्पॉन्स कर सकता है अगर आप $50 पे अप्लाई करें। अगर उसका बजट $5 का है और जॉब है $50 की, तो आपने $50 पे अप्लाई करा। मैं भी ऐसा करता हूँ। अभी मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, उस क्लाइंट का बजट था $50 और वो मुझे प्रोजेक्ट मिला है $450 का। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह आप क्लाइंट से बजट इंक्रीज करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।